चीज पर आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना, घर पर ही मैनिक्योर पेडिक्योर करेंगे, काले गंदे कलोटे हाथ पांव गोरे चिट्टे करेंगे, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन आपने 2 स्टेप फॉलो कर लेने हैं, तिहाई सस्ता मैनिक्योर है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले जी आप कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दे। हाइड्रोजन परोक्साइड आपने मेडिकल स्टोर से ले आना है, अपने हाथ पांव गोरे चिट्टे करने हैं तो ये आपने लाजमी ला के घर पे रख देना है, ठीक है। आपने पानी लेना है, पानी नॉर्मल होना चाहिए, ये नहीं कि नीम गर्म पानी चाहिए हमें, ठीक है। आपने नॉर्मल पानी लेना है, एक टप में भर लेना है और उसमें हमने तकरीबन 2 चम्मच के बराबर, इससे ज्यादा नहीं, 2 चम्मच हमने हाइड्रोजन परोक्साइड एड कर देना है। फिर जी हमें चाहिए है नमक, नमक हमने 1 चम्मच भर के एड करना है। और फिर जी हमें चाहिए है शैम्पू, कोई भी आप ऐड कर दें या शैम्पू का साशा है तो वो एक आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तकरीबन 1 चम्मच भर के शैम्पू हमने ऐड कर दिया। फिर जी हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि झाग सी बन जाए। और फिर हमने अपने दोनों हाथ, अगर पाँव आप धो रहे हैं तो पाँव आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और ये ब्रश आपको लाजमी चाहिए है, कुछ भी हो आप बाजार से ये ब्रश ले आए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर ये भी नहीं आपके पास तो दांतों वाला जो ब्रश होता है टूथ ब्रश, तो अभी मैनीक्योर पेडिक्योर में यूज कर सकते हैं ब्रश, ठीक है। बस हमने क्या करना है, अपने नाखून वगैरह साफ करने हैं, मेल कुचैल जो है वो रिमूव करनी है, हाथों से नहीं ब्रश से बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। हाथों पर जो मेल जम जाती है, ब्लैक नेकल्स हो जाते हैं, तो आपने उस पर ही ब्रश अच्छे से रगड़ना है। और आपकी जो बाजुओं की काली कोनी होती है ना, वो भी बहुत बुरी लगती है, ठीक है, तो आपने उसे भी जरूर रगड़ना है, ठीक है। अच्छे से तकरीबन मैंने ये 15 से 20 मिनट तक अपने हाथ धोए और उसके बाद ये जी मैं ऐसे कपड़े से साफ कर रही हूँ। हाथों को कर लिया हमने ड्राई, अब हमने एक स्क्रब बनाना है, ठीक है। स्क्रब के लिए आपको चाहिए है मसूर की दाल, जो रेड कलर की होती है ना मसूर की दाल, वो आपने ग्राइंड कर लेनी है, अच्छे से उसको पीस लेना है। बहुत ही अच्छे से मैंने इसे पीस लिया है, कुछ इस तरह का पाउडर हमें मिल गया है। ये स्क्रब बहुत ज़बरदस्त हमारा रेडी होने वाला है। आपने हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 4 दफ़ा ये अप्लाई कर लिया ना, ज़बरदस्त आपकी स्किन हो जाएगी, काली कलोटी जितनी भी है वो सब वाइट हो जाएगी, डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। 2 चम्मच के बराबर तकरीबन मैंने ये ले लिया है, देखिए बिल्कुल कुछ पाउडर इस तरह का है, ठीक है। आपने घर में ही मसाले वाली जो मशीन होती है उसे अच्छे से धो के ड्राई कर लें, उसमें मसूर की दाल को आपने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। 2 चम्मच मैंने ले ली मसूर की दाल, इसमें हमने ऐड करना है 1 चम्मच पूरा भर के चावल का आटा, लाजमी आपने इसे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक पाउडर ऐड कर, बेकिंग सोडा, ठीक है। ये बेकिंग सोडा हमने 1 चम्मच तकरीबन, छोटा वाला जो चम्मच है ना वो हाफ या तो कर ले या 1 चम्मच आपने ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया, अब इसको मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले हमने ऐड करना है तकरीबन 1/2 चम्मच, छोटा जो है ना वो 1/2 चम्मच के बराबर हाइड्रोजन परोक्साइड, ये लाजमी आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा सा, यानी कि मैं 1/2 ढक्कन ऐड कर रही हूं, ठीक है। और फिर इसे मिक्स हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है। आप पानी भी ले सकते हैं, दूध नहीं लेना आपने, पानी लेना है, या अगर आपके पास अरके गुलाब है तो आप ये ऐड कर दें। मैं अरके गुलाब है मेरे पास, मेरे फ्रिज में रखा होता है, गर्मियों में मैं अपनी स्किन पर बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, तो मैं यही इसमें ऐड करूंगी। इतना ऐड करना कि अच्छा सा हमारा पेस्ट रेडी हो जाए, ना ज्यादा पतला हो ना ही ज्यादा गाढ़ा, ठीक है। तो आपने फिर मिक्स करके अपने हाथों पर बहुत अच्छे से मसाज करना है, इतने वाइट हो जाएंगे आपके हाथ, यकीन माने। और मसाज आपने कितने मिनट तक करना है, 15 मिनट तक मुसलसल करते ही रहना है। जो डेड स्किन है वो हमने रिमूव करनी है, हाथ पांव जो हमारे जिसकी वजह से काले हो जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, मेहंदी लगाई हुई बहुत बुरी लगती है और चूड़ियां पहनी हुई भी खूबसूरत नहीं लगती, तो इसीलिए हमने ये मसाज हफ्ते में 4 दफ़ा करना है, ठीक है। 4 दफ़ा फॉलो कर लें, एक हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें, यकीन माने आपको मैनीक्योर पेडिक्योर पार्लर की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे से फिर आपने 15 मिनट मसाज करके वॉश कर लेना है, रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है। काली कोनी जो है वो बिल्कुल वाइट हो चुकी है, यानी कि दाग धब्बे ख़त्म हो गए हैं, हाथ और मेरे बाजू बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। अब मैं मेहंदी लगाऊंगी, इस पर चूड़ियाँ पहनूंगी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे हाथ। इसी तरह अगर अपने हाथ करने तो जल्दी से स्टेप को फॉलो कर लें।